नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम इस वक्त सिर्फ देश में ही चर्चा का विषय नहीं है बल्कि विदेशों में। फाइव आईज कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर और कंट्रीज हो, इन सभी देशों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, उनके आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ नदीम की। नदीम जो जिसे आपने तस्वीरों में देखा, ये नदीम मुंबई का रहने वाला है। यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाता है और काफी लोग इसे फॉलो भी करते हैं। इसने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया बाबा सिद्दीकी की मौत के लगभग एक हफ्ते के बाद, हफ्ता दस दिन के बाद इसने एक वीडियो जारी किया जिसमें इसने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी। पहले आप एक बार वीडियो देखिए। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोहेले थे, आप जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को। मुंबई के शेर जाग गया, घंटा हम हमारी बीबी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आजा तेरे भेज ये आटू झाटू शूटर आता है ना नदीम भाई। इस बीच आपने सुना कि किस तेवर के साथ ये नदीम लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है कि लॉरेंस आजा, अगर तुझे तेरे शूटर्स में अब अगर इतना दम है तो आओ, क्योंकि मुंबई के शेर अब जाग गए हैं। यह धमकी बड़ा निडर होके दी थी नदीम ने, लेकिन उसके दो ही दिन बाद या फिर कहूं कि 24 से 36 घंटे के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि यही नदीम गिड़गिड़ाने पर आ गया। हालांकि इससे पहले उसने उसका एक बयान भी सामने आया जिसमें उसने कहा कि लॉरेंस मैंने तेरा एक इंटरव्यू सुना है जिसमें तू जेल से बाहर निकलकर गोरक्षा करने की बात कर रहा है, जो है गाय पालने की बात कर रहा है, मैं तुझे तेरे इस काम को सलाम करता हूं। इस तरीके का बयान 24 घंटे के बाद आया और फिर 24 घंटे के बाद एक और वीडियो नदीम का सामने आया जिसमें यह खुद बताता है कि अब मैं सोशल मीडिया पर वीडियोज ही नहीं बनाऊंगा। सुनिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट, आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे दोस्त छीन लिए, मेरा वकार छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए, ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइट देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। जैसा था वैसा ही खुश हूं और बहुत खुश हूं। ये आखिरी वीडियो है। मेरे जितने भाई लोग थे जो मुझे फॉलो करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक आप लोग का सपोर्ट मिला। अब आप लोग अनफॉलो भी कर सकते हो क्योंकि अब मेरी आवाज दोबारा सुनने नहीं मिलेगी। जय हिंद। शेर की तरह ये आदमी खूब दहाड़ा था, खूब धमकी दी थी, लेकिन 24 से 48 घंटे के भीतर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसके हालात, जज्बात सब बदल गए। वो एक जो है एक टीवी में एड भी चलता है जिसमें कहा जाता है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, किसी कंपनी का प्रचार हो जाएगा। तो वही काम हुआ नदीम के साथ भी। नदीम का अब धंधा ही चौपट हो गया है और लोग अब मजे लेने लगे हैं नदीम के क्यों नदीम भाई क्या बात हुई, दो दिन के बाद ही जो आप इस तरीके से भीगे बिल्ले बन मिमी आने लगे। इस मामले में अगर आपको जानकारी और देता चलूं तो एक ट्वीट, पप्पू यादव जो बिहार से सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये देश है ही जो की फौज है, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने, कभी मूसे वाला कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये ट्वीट किया गया पप्पू यादव की तरफ से, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव का ये एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पप्पू यादव से पत्रकार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल पूछ देता है। लॉरेंस बिश्नोई का जैसे नाम आता है तुरंत पप्पू यादव भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे। तो इनके भी हालात और जज्बात दोनों बदल गए। कमाल आर खान को तो आप जानते होंगे, वो रिव्यू करने के लिए जाने जाते हैं। कमाल आर खान ने भी धमकी भरे लहजे में एक पोस्ट किया था लॉरेंस बिश्नोई के लिए, वो भी रॉबिनहुड जैसा बनना चाहते होंगे शायद। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने बराबर में एक पानी की बोतल रखी दिखाई दी जिस पर बिश्नोई लिखा हुआ था और ऊपर कैप्शन में लिखा था यह बिश्नोई है सबको कूल कर देता। तो कमाल आर खान के भी हालात और जज्बात दोनों बदल गए। तो जितने भी लोग फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके जो जज्बात हैं वो एकदम से
धमकी तो दे देते हैं लेकिन एकदम से कूल हो जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है वो अब तक समझ से परे है। बाकी ये चर्चा आपको, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।